सोनू भाई, इस कैटल फार्म में एक जानवर ऐसा है जो अपने ऊपर सवारी कराता है, मतलब आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी चाल चेक करो यार, क्या बात है। अरे माशाल्लाह, कलंदर पागल हो गया भाई। वैसे सारे के सारे जानवरों की नाफ होती है इतनी छोटी होती है, लेकिन इसकी चेक करो, ये देखो भाई साहब। अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हजरात, कैसे हैं आप लोग? भाई आज आपका भाई मौजूद है कराची से बहुत ज्यादा दूर, और आज आपका भाई व्लॉग बनाएगा इन भैंसों के साथ, मतलब थन से निकाल निकाल के दूध पिएगा आपका भाई। हाँ भाई, तैयार हो तुम? अबे 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 भाई, अबे मैं समझा भैंस आ गई, लेकिन देखा तो गधा था। आवाम को तूने धोखा दिया। क्या मैंने क्या धोखा दे दिया? आवाम के कमेंट्स आ रहे हैं भाई, जानवर दिखाओ लाल कलंदर, 5 लाख सब्सक्राइबर का तुमने बोला था कि तुम रिवील करोगे, तुम दिखा नहीं रहे। यार नो कमेंट्स यार। क्या नो कमेंट्स में? जानवर दिखा, लाल कलंदर। और क्या, मेरा कलंदर दिखाएगा? दिखा यार, 1 मिलियन होंगे ना फिर दिखाऊंगा मैं। अबे ये बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिलियन तो क्यामत से 2 दिन पहले होंगे। अभी दिखा लाल कलंदर को। चलो सही है, दिखाता हूँ यार, आ जाओ। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाल कलंदर, जो कि हमने 3-4 महीने पहले लिया था, और हमारे साथ राफे भाई मौजूद है, फार्म के ओनर। राफे भाई कहाँ है लाल कलंदर यार, नजर क्यों नहीं आ रहा? हमने उसको छुपा दिया है अभी। अरे यार ये क्या बात है, मेरी चीज आपने छुपा दी? हम आपको दिखाएंगे ही नहीं। क्यों यार, ये क्या बात कर दी यार आपने? ढूंढ ले, आपको ढूंढ ले। ये तो आप लड़कियों की तरह बोल रहे हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। इनकी बात से मेरा दिल दुखा है। क्या दिल दुखा है? ये जो उन्होंने बात की, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? इनके लिए शेर अर्ज़ है, तेरी बात से दुखा है मेरे दिल का कांच, तेरी बात से दुखा है मेरे दिल का कांच, और इनका मुंह ऐसा है जैसे उर्दू का 5। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जाएगी, शुरू में ठंडी थी। गजब बेइज्जती। राफे भाई कहाँ है यार, जानवर कहाँ है लाल कलंदर? ये आपके लिए चैलेंज है, आप बछड़ा ढूंढेंगे आज? मैं ढूंढूंगा। हाँ। इतने सारे बछड़ों में से ये चेक करें, सारे के सारे इनके बछड़े खड़े हुए, इस तरफ भी खड़े हुए, इस तरफ भी खड़े हुए, उस तरफ भी खड़े हुए, इधर भी बकरियां खड़ी हुई। यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और टाइम भी बड़ा कम है, मतलब कितनी देर में ढूंढना हो सकता है? कोई ले गया नहीं करे यार, ये क्या बात हुई, मेरा जानवर मैंने खरीदा, पैसे दिए यार। हमने तो आपको भाई बेचा था, बहुत दिन हो गया आप आए ही नहीं। ये क्या बात है, मैं आपको मेंटेनेंस के पैसे दे रहा था ना, खाने पीने के दे रहा था ना आपको पैसे दे रहे थे, वो तो एक अलग बात है यार। राफे भाई ऐसा तो नहीं लाल कलंदर काला कलंदर बन गया हो? तो भाई राफे भाई ने हमें चैलेंज दिया है कि लाल कलंदर को इस पूरे फार्म में से ढूंढना है, उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, अब इसमें से भी हो सकता है, यहाँ पर भी छुपा हो सकता है, यहाँ पर भी। मेरा लाल कलंदर इतना बड़ा है ना कि वो छुप ही नहीं सकता भाई, उसको कहीं ना कहीं से मैं निकाल लूंगा, समझ रहे हो? अबे यार सुनो भाई, कैसे ढूंढेंगे लाल कलंदर? मिल गया, मिल गया लाल कलंदर, लाल कलंदर मिल गया। अबे ये लाल कलंदर नहीं है, ये कुत्ता कलंदर है भाई। यहाँ पर बड़े खतरनाक किस्म के जानवर नजर आ रहे हैं, ये चेक करो माशाल्लाह। अब मुझे ना इतना याद भी नहीं है लाल कलंदर मेरा कैसा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था इनके पास, इनको पैसे दे रहा था महीने के, ये मेंटेनेंस वगैरह कर रहे थे। तुम एक मरतबा भी नहीं आए? अबे नहीं यार, आपको तो पता है ना यार, मेरी 4 साल शादियां हुई हैं, 4 शादियां हुई हैं। हाँ ना, दम एक का भी नहीं है। अबे सुनो भाई, अबे लाल कलंदर मिल गया, अबे ये लाल कलंदर यही है, अबे यही है, यही है, यही है। अबे सुनो भाई कैसे यार, यही वाला याद है, ये नहीं है। अबे एक मिनट इसको देखने दो जरा, उसकी शक्ल पे जख्म नहीं थे कानों की तरफ, उसके जख्म है कानों की। अबे उस्ताद मुझे लाल कलंदर लग रहा है, लेकिन ये लाल कलंदर है नहीं, क्योंकि लाल कलंदर का ना स्पॉट पीछे की तरफ था, मुझे ये याद है, इसका स्पॉट जो ना सामने की तरफ है। ये पीले कलंदर को ले आओ। अंकल आपकी कुर्बानी हो जाएगी? नहीं यार, आपका गोश्त हराम होगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये जानवर देखो कितना जबरदस्त किस्म का जानवर है यार। बात सुनो यार, मुझे बताना मेरा लाल कलंदर किधर है, तुम तो उसके दोस्त होगे ना, तुम मुझे बता दो यार। ये भी रिस्पांस नहीं दे रहा यार, क्या जबरदस्त गोश्त, चेक करो इसके कुहान, चेक करो फुल भरा हुआ जानवर है, सुभान अल्लाह। यहाँ जो ये खिलाई पिलाई करते हैं ना जानवरों की, बहुत VIP किस्म की करते हैं। अगर हम सोनू भाई को भी छोड़ देना यहाँ पर, सोनू भाई भी 1 साल के अंदर फुल भैंसे बन जाएंगे। कुत्ते को जितना खिला लो, कुत्ता कभी भैंसा नहीं बन सकता भाई। जब हम लोग लाल कलंदर खरीदने आए थे ना, तो ये सारे के सारे जानवर खड़े हुए थे, लेकिन ये सब के सब ना बहुत छोटे जानवर थे। अभी माशाल्लाह चेक करो, फुल भरे हुए यार, लबालब हुए हैं, गोश्त मक्खन खाल सब कुछ, माशाल्लाह यार क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की केयर की हुई है जानवर की। और इसका आप बैक चेक करो, ओए होए होए होए, ये इसको मतलब मारने में ना अलग ही मज़ा आता है। सारे के सारे जानवरों के बैक चेक करो माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। अरे भाई साहब, इतना खतरनाक किस्म का जानवर दिखा है भाई, ये है फुल छपाटर जानवर। और राफे भाई बता रहे हैं इसको अगर आपने खोल दिया ना, ये आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो भाई इसको खोल के जरा चेक करते हैं, सामा भाई ने रस्सी खोल दी। अरे भाई साहब, फुल खिलौने को खोल दिया। अरे भाई, अरे भाई, अबे ये तो शरीफ लग रहा है उस्ताद। राफे भाई तो बहुत कह रहे थे बड़ा खुर्राट किस्म का जानवर है, अभी कुछ भी नहीं कह रहा ये तो। अबे 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 अबे, अब आ रहा है फॉर्म पे। वैसे आप माशाल्लाह इसका मुंह चेक करो, फुल लिपस्टिक लगा कर आया हुआ है पिंक कलर की, चेक करें, बिल्कुल वाइट कलर का जानवर है, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, कुछ नहीं कह रहा मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा, सुकून से रहे भाई। अबे 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 अब
ये चेक करें, इस जानवर का खूबसूरत तरीन जानवर है। कितने बोल रहे हैं? 6.5। 6.5 का फाइनल बोल रहे हैं। माशाल्लाह यार, 6.5 का ये जानवर है, चेक करो इसकी हाइट, गोश्त वगैरह सब कुछ बेहतरीन किस्म का है। भाई हमने पूरा फार्म छान लिया, कहीं भी लाल कलंदर हमें मिल ही नहीं था। रुको जरा, सबर करो, पहले इस बछड़े से निमट लें आप। इस वाले बछड़े से? हाँ। अबे ये तो शरीफ सा लग रहा है यार। बस लग तो रहा है, देखते हैं आप। वैसे आपस की बातें, खुर्राट तो नहीं है ये? हाथ लगा के देखो इसको मैं। अबे ये तो शरीफ है यार। राफे भाई क्या हो गया, ये तो बच्चा है यार मेरे सामने, कुछ भी नहीं कर रहा मुझे। देखो अब चुल नहीं करना पीछे से आप। अबे उस्ताद, अबे उस्ताद। यार इन्होंने पहले एक जानवर दिखाया था, बड़ा खुर्राट किस्म का जानवर था, उसने मुझे घसीट दिया था। आज कोई भी जानवर ऐसा है ही नहीं इनके पास, सारे शरीफ हो गए। मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जानवरों की। अच्छा, जानवर शरीफ हो गए। बात तो सही है। ये चेक करें, माशाल्लाह से पूरा जानवर व्हाइट है और सिर्फ इसकी दुम ब्लैक है। खूबसूरत यार, माशाल्लाह, मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। मैंने भी ऐसा जानवर कभी नहीं देखा जो व्लॉग बना रहा हूँ। ये जानवर है थोड़ा सा हाड़ा उड़ी में आ रहा है, ला यार रस्सी दे यार। अबे उस्ताद, अबे 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 उस्ताद, अबे अबे कहाँ जा रहा है? अबे इधर आ, इधर आ। मेरे हाथ में रस्सी लेते ही शार्ट। अबे क्या कर रहा है? अबे क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो तुम लोग? इधर आओ, शाबाश, इधर आओ। उस्ताद ये क्या कर रहा है? मस्ती है इसमें, सूंघ रहा है, तेरे को भी सूंघता है। आ जाओ, शाबाश, तीसरे में तुम, चौथे में तुम। शाबाश 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 शाबाश, फुल माशाल्लाह यार, क्या बेहतरीन किस्म का जानवर है यार। भाई आपके भाई ने लाल कलंदर खरीद लिया था, अगर लाल कलंदर नहीं खरीदता ना तो मैं ये वाला जानवर खरीद लेता यार, बहुत प्यारा है। आ जाओ भाई, तुम्हारे मालिक बड़े जालिम है, बच्चियों के पास जाने नहीं देते तुम्हें, सही है? तुम कमारे मरोगे, सिंगल मरोगे। आ जाओ इधर। उसको जाने नहीं दे रहा है, तो जुल्म है ना यार। सुनो भाई, देखो ये देखो कितना जाना चाह रहा है। तुम इनको जुल्म से आजाद करवाना चाहते हो ना, एक बछड़ा खरीदो, एक बछिया अपने घर पे करवाते हो, रोमांटिक मूवी। यू वेरी चालाक ब्रो। उस्ताद शादी कराओ ना इन दोनों, कितनी प्यारी जोड़ी है ना उस्ताद। ये देखो कितनी प्यारी बछड़ी है, इतना प्यारा बछड़ा, इसकी शादी कराओ। भाई तुझे बछड़ी के निकाह में देता हूँ, तूने निकाह कबूल किया? बोला कबूल है। अबे कबूल है बोल दिया इसने। अबे यार राफे भाई, यार सारे जानवर आपकी तरह है, सुस्त बिल्कुल, मतलब कोई भाग भी नहीं रहा, दौड़ भी नहीं रहा, सारे ऐसे जानवर हुए। देखना यूं बात कर रहे हैं, मैं सुस्त हूँ, मैं क्या करूँ, खाना खाओगे मिशकात, ऐसे बातें कर रहे हैं आप। यार राफे भाई को जानवर दिखाए जो मारे धड़े, मतलब लड़े बड़े, जैसे हमारी तरह शेर की तरह हो ना यार। अच्छा, मतलब आप नुकसान खाना चाह रहे? नुकसान नहीं खाना चाह रहे, हम लड़ना चाह रहे हैं जानवर के साथ, ताकि हमें अपनी जान का एहसास हो कि हमारे अंदर कितनी जान। चले मैं ले आया आपके लिए बच्चे, ये वाला। अबे ये भी शरीफ है यार, कुछ भी नहीं है। ये देखें, वहाँ भी थोड़ा बहुत है, इसके अंदर मस्ती है। ला यार रस्सी दे यार, ये मेरे मतलब का जानवर है भाई। अबे यार मेरे पास आके ना सारे के सारे जानवर शरीफ हो गए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा भाई। अबे उस्ताद, अबे ओए, अबे भाई साहब, अबे ये तो बड़ा शपाटर किस्म का जानवर है भाई, बहुत ज्यादा जान है इसके अंदर। देखने में इतना शरीफ है, व्हाइट कलर का, पिंक पिंक नोज है, पिंक पिंक आंखें। सोनू भाई, इस कैटल फार्म में एक जानवर ऐसा है जो अपने ऊपर सवारी कराता है, आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हो, लेकिन जिगरे वाले लोग कर सकते हैं, आपकी तरह भट्टू लोग नहीं कर सकते भाई। फुल ब्राह्मण खतरनाक किस्म का जानवर है, इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो। उसामा भाई बहुत चौड़े हो रहे थे ना, आप बैठ के दिखाओ। पहले आप बैठो। नहीं नहीं, आप चौड़े हो रहे थे ना, सीख लोगे आप ट्रिक। सीख भाई, चौड़े में पकौड़े लगते हैं ना भाई, आप ट्रिक सीख लोगे, मैं बैठ के दिखा दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं सीख लूंगा, आप बैठो। चलो भाई, उसामा भाई बैठ रहे हैं ब्राह्मण के ऊपर, आवाज ही भी निकाल रहा है खतरनाक किस्म की। देखो भाई, बड़े खतरनाक किस्म की आवाजें निकाल रहा है। तो उसामा भाई आप बैठो भाई, रस्सी पकड़ के रखो आप। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, छोड़ दो रस्सी, छोड़ दो। क्या हुआ? हवा निकल गया। कैसे भट्टू उतरा, कैसे फौरन से उतरा, छोड़ दे। तो क्या हुआ, बैठा रहता? हाँ, वो तो चाहे मुझे मेरे ऊपर चढ़ेगा, गिरा के। नहीं नहीं, क्यों चढ़ेगा यार, मैं बैठ चुका हूँ यार, पहले भी बैठ चुका हूं। मैं कैसे उछल के बैठा? आओ दोबारा बैठो, अभी बैठ, कुछ बैठ लगवाओ। अगर आप इसके ऊपर बैठ गए ना और आपने सवारी कर ली वहां तक, तो मैं आपको अभी 1,00,000 रुपए दूंगा। नहीं, 1,00,000 रुपए के तो जूते हैं मेरे। सुनो भाई, 1,00,000 रुपए जीतने आपको? नहीं, मेरी नौकरी लग गई। गजब बेइज्जती है। तुम्हें 5,00,000 रुपए देता हूँ। 5 रुपए का मुंह है तेरा, 5,00,000 की बातें कर रहा है तू। अरे भाई जान, बच्चा बैठ गया गाय के ऊपर, क्या बात है यार, जबरदस्त किस्म का बच्चा है। जानवर बच्चों को बिठाना चाह रहा है, आप जैसे गधों को नहीं बिठाना चाह रहा भाई। अब मैं आपको एक ऐसा जानवर दिखाने वाला हूँ जो पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक जानवर है जिसकी नाफ इतनी ज्यादा लंबी है कि मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये चेक करो माशाल्लाह, इस जानवर की नाफ नीचे की। अरे भाई साहब, ये बच्ची आया और इसकी नाफ जो है ना फुल लटकी हुई नाफ है, और इतनी लंबी नाफ पाकिस्तान में किसी की भी नहीं है। पूरा मक्खन है यार ये तो, क्या बात है। टाइम देखो, रात हो जाएगी यार, घर भी निकलना है। तुम ये नाफ फालतू चक्करों में लगे हो, अपना लाल कलंदर दिखाओ ना, कहाँ है? अबे हाँ यार, लाल कलंदर तो मैं भूल ही गया। अबे यार लेकिन लाल कलंदर मिल ही नहीं रहा यार, तो हर जगह पूरे फार्म में देख लिया हमने। भाई भैंसों की तरफ तो चल के देखो। अबे यार उसामा भाई, मुझे लग रहा है लाल कलंदर ना चोरी हो गया। अबे यार एक काम करना, ये भैंसों वाली जगह नहीं देखी, यहाँ देखते हैं।
वैसे राफे ने कहा था लाल कलंदर कहीं छुपाया है उसने, इधर चल के देखे पीछे ही छुपाया होगा वो हमारे, है ना, उधर चल के देखते हैं। आओ चलो भाई देखते हैं लाल कलंदर कहाँ पर है। ये देखो लाल कलंदर ही खड़ी हुई, लाल कलंदर नहीं दिख रहा यार। मेरे लाल कलंदर कहाँ हो तुम? अबे यार ये तो काला कलंदर दिख रहा है, हर जगह काला 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 दिख रहा है लेकिन लाल नहीं दिख रहा। यार तुम बता दो मेरा लाल कलंदर कहाँ है, बताओ ना यार। अबे ये देखो नखरे दिखा रही है ये, बोलिए दफा हो जाओ। मेरी भैंस बहन तुम बता दो लाल कलंदर किधर है, बताओ ना यार, बता दो प्लीज। सारे के सारे जानवर नो रिस्पॉन्स नो कमेंट। भाई हम लोग जो है ना फार्म के बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं लेकिन लाल कलंदर दिख ही नहीं रहा। अबे यार ये देखो सारे के सारे भैंसे ही भैंसे, कोई मेरा लाल कलंदर नहीं दिख रहा। ओए ओए पीछे कुछ दिख रहा है, वो क्या है? तेरे पप्पा हैं। अबे लाल कलंदर है। अरे भाई साहब लाल कलंदर दिख गया, अरे भाई लाल कलंदर दिख गया, लाल कलंदर दिख गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लाल कलंदर, तुम इधर छुपे हुए थे? अबे मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था यार। अबे यार तुम भी मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, ये मुझसे नाराज है पता है, ये बोल रहा है तुमने 4 महीने में मेरा एक दफा पता भी नहीं लिया, ये देखो कितना गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर यार। अरे लाल कलंदर भाई, अरे माजरत यार, अरे 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 अच्छा ना यार, मैं असल में ना मैं बचिया के पास चला गया था, मैं बचिया ले आया ना, मैं उससे मेरा दिल लग गया था यार। यार ये तो गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर यार। वैसे माशाल्लाह आप चेक करो इसकी खिलाई पिलाई करके कितना बड़ा कर दिया राफे भाई ने माशाल्लाह। लाल कलंदर भाई तुम्हें खोल के वॉक कराऊं मैं तुम्हें? हैं सही है अब गुस्सा नहीं कर रहा। अबे अबे उस्ताद, अबे लाल कलंदर भाई ये नाराज है आपसे भाई, जानवर लो उसकी खिदमत करो, आपने उसके हवाले कर दिया यार गरीब के। यही तो बोल रहा है 4 महीने में एक दफा भी पता नहीं किया तुमने मेरा, मुझे छोड़ के चले गए। बोल रहा है अब इधर से दफा हो जाओ। अबे नहीं यार इसको मैं मनाता हूँ यार, अरे लाल कलंदर कुछ नहीं होता यार। अबे उस्ताद ये चेक करो लाल कलंदर कितने गुस्से में भाई। अरे लाल कलंदर बस 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 अच्छा बस 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 गुस्सा मत कर मेरे प्यारे बच्चे, गुस्सा नहीं प्यार मोहब्बत से हर काम होता है। अच्छा ना मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बस सही है ना, अब तो आ गया ना मैं तुम्हारे पास, ज्यादा बदमाशी नहीं सही है, सॉरी कर ली ना मैंने तुमसे, बस अब माफ कर दो मुझे तुम। आंखें भी ना इसकी लाल लाल हो गई हैं बहुत ज्यादा। चलो भाई हमने लाल कलंदर को आजाद कर दिया है माशाल्लाह। अरे उस्ताद, अरे उस्ताद, अरे भाई साहब, अरे भाई लाल कलंदर फुल मस्ती में माशाल्लाह, इसकी चाल चेक करो यार क्या बात है। चलो अरे 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 उस्ताद लाल कलंदर पागल हो गया भाई। साहब भाई अगर इसको लेके गए तो तबाही मचा देगा भाई, नहीं इसको यहीं पे कुर्बानी करो इसकी। तो भाई ये है माशाल्लाह से हमारा लाल कलंदर, और माशाल्लाह से क्या शपाटर लौंडा हो गया, ये चेक करो इसकी अदाएं यार। वैसे राफे भाई हम जो आपके पास छोड़ के गए थे ना बहुत छोटा छोड़ के गए थे, तो आपने इतना बड़ा कैसे कर दिया यार, आप छोटे को बड़ा कैसे कर देते हैं? वैसे माशाल्लाह राफे भाई ने भाई इसको बड़ा सेहतमंद कर दिया, ये महीने के मुझसे लेते हैं हिसाब किताब, लेकिन उस हिसाब से फिर खिलाते भी हैं इसको, वंडा वंडा खिलाते हैं आप भाई। देखो जो महीने का अच्छा हिसाब किताब देता है उसके बछड़े को ही लगता है, हम खुद तो उसे खाते नहीं है, सही बात है, कोई प्रॉफिट मिलता है। और भाई ये बछड़े बहुत मेहनत से पाले जाते हैं। वैसे राफे भाई मैं ये सोच रहा हूँ इसको अभी मैं लेने आया था, लेकिन मसला ये अगर इसको मैं लेकर गया अपने घर पे तो ये तो तबाही मचा देगा। अभी जिस तरह इसने हरकतें की है ना, मैं तो कह रहा हूँ आप इसको अपने पास रखें, यहीं पर इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी कर दें। और ये बछड़ा हमने स्पेशली लिया गरीबों की मदद के लिए, इसका गोश्त ना इंशाल्लाह ज़िबा करके आप गरीबों में तकसीम करा दीजिएगा। वैसे माशाल्लाह से आपके सारे के सारे बछड़े देख के बड़ी खुशी हुई, यहाँ पर जो आपने माशाल्लाह बछड़ों की खिलाई पिलाई कराई है, इनको तगड़ा किया हुआ है, जो उनका अलग ही शेप नजर आ रहा है ना, ये सारा नेचुरल पे है या फिर ये सब नेचुरल पे? सब नेचुरल पे, स्टेरॉइड्स नहीं लगा। तो भाई लाल कलंदर भाई अरे गुस्सा मत करें भाई, आप क्या हो गया आपको भाई, आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ सही है, इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी यहीं पर होगी। अब बुरा तो नहीं मानोगे? देखो मान गया अब इसने कह दिया हाँ सही है। वैसे यार माशाल्लाह अपने बछड़े को देख के इतना प्यार आ रहा है ना, ये चेक करो, इतने अरसे बाद मैं देख रहा हूँ, 4 महीने बाद इस बछड़े को देख रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह राफे भाई ने जो इसका ख्याल किया, जो इसके अंदर जान नज़र आ रही है, एक्टिवनेस नज़र आ रही है, अक्सर बछड़े जो है ना जो बड़े होते हैं वो भाग नहीं पाते, लेकिन इसने आज भाग के दिखाया कि भाई कितनी जान है इसके अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आपके भाई को क्या खुशबू आ रही है, आपके भाई का नशा यहाँ पर मौजूद है, चारों तरफ बकरियां ही बकरियां, और आपका भाई पिएगा बकरी का दूध। बकरी का दूध पीना, लेकिन स्टार्ट में ये कैसे आवाज निकाली, आ कब्ज हो गई क्या? माशाल्लाह भाई बकरी का दूध निकल रहा है, क्या बात है, फुल गिलास में भरा जा रहा है, ओए होए 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 होए, मजा आने वाला है भाई, नशा चढ़ने वाला है आपके भाई को, समझ रहे, नशा है आपके भाई को बकरी का दूध का, समझ रहे हो, चर्स है, चर्स है ये हमारे लिए, चर्स लोग चर्स पीते ना हमारे लिए यही चर्स है। अबे मक्खी गिर गई, कोई मसला नहीं, मक्खी निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंस क्या रहा यार तू, तेरे भाई को नशा हो रहा है तू हंस रहा है यार, एक नशा ही तो हंसता है कोई, देख नशा ही मजबूर होता है ना नशे के आगे, क्यों हंस रहा है तू?
अबे तुम लोग सब देख क्यों रहे हो मुझे बकरी का दूध पीते हुए? अल्लाह के बंदो, कोई किसी को खाते पीते हुए देखता है क्या? तू नियत क्यों लगा रहा है भाई? भाई ये चेक करो देसी तरीका। आहा सुभान अल्लाह। हाँ भाई फाइनली खुश हो गए, लाल कलंदर को रिवील कर दिया। भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो भाई मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।